जम्मू कश्मीर को कुदरत ने बेशुमार तोहफे बख्शे हैं। बात करेंगे कुछ ऐसी ही तोहफों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और पढ़ाई की तरफ मन लगाए रखें। चलिए, ये है हमारा लेक्चर 10th और ये बेस्ड है हिस्टोरिक प्लेसेस इन J&K पर। इसमें मैंने हिस्टोरिक प्लेसेस एंड टूरिस्ट प्लेसेस दोनों को कवर किया है। इससे पहले 9 लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो JKSSB की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने फेसबुक के पेज का लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस पेज को फॉलो करें और कोई भी क्वेश्चन मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग एनीथिंग यू वांट टू से, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो ये हैं टोटल 17 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने 3 वीडियोज़ में इसको डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो में हम जम्मू की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम कश्मीर की पढ़ेंगे और उसके बाद हम लद्दाख की। तो 17 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मैंने लिए हैं जम्मू से। अगर आपको लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रह गई है या हिस्टोरिक प्लेस मैंने नहीं फीचर की है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फीचर कर दूंगा। बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि मैं मैक्सिमम प्लेसेस इंक्लूड कर सकूँ। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले अमर महल पैलेस की। तो अमर महल बनना शुरू हुआ था 1862 में और बनते बनते ये 1890 में जाके कंप्लीट हो पाया था। ये सारा जो प्लान किया गया था ये एक फ्रेंच आर्किटेक्चर द्वारा प्लान किया गया था। इसको अमर महल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि महाराजा अमर सिंह के नाम पे रखा गया है। महाराजा अमर सिंह महाराजा हरि सिंह के फादर थे और डॉक्टर करण सिंह के ग्रैंडफादर थे। अमर महल सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। इस समय डॉक्टर करण सिंह ने इसको हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया हुआ है। हरि तारा क्या हो गया, हरि हो गया महाराजा हरि सिंह और तारा उनकी वाइफ थी जिनकी डेथ 1967 में हुई थी। जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ पर वो है यहाँ पे एक थ्रोन पड़ा हुआ है जो गोल्ड प्लेटेड है। ठीक है, गोल्ड प्लेटेड वो थ्रोन है। थ्रोन क्या होता है, जिसपे राजा महाराजा बैठते हैं और इसका वेट है 120 kg। नेक्स्ट है हमारे पास अखनूर फोर्ट। तो अखनूर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी मियां तेज सिंह ने इन 1762, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसे कंप्लीट किया था राजा अलूम सिंह ने इन 1802। जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं अखनूर फोर्ट की, इसके पीछे जो आर्किटेक्चर रिस्पॉन्सिबल हैं उनका नाम था उस्ताद बैग कश्मीरी। बहुत सुंदर जगह है ये और ये सिचुएटेड है ऑन द रिवर बैंक ऑफ चिनाब रिवर। नेक्स्ट है बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट के साथ एक कहानी है। कहानी ये है कि ये 3000 साल पुराना है, यानी कि महाराजाओं के रूल से भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन माना जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने इसकी एक रेनोवेशन ज़रूर करवाई थी 18वीं सेंचुरी में। और ये भी सिचुएटेड है तवी रिवर के अलोंग। दिखने में ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है क्योंकि ऊपर ही हिंदू गॉडेस काली माता का टेम्पल है, जिसको हम बावे वाली माता टेम्पल भी कहते हैं। ये टेम्पल अपने में इसकी बहुत मान्यता है, बहुत सुंदर है ये टेम्पल, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बावे वाली माता। बावे वाली माता के टेम्पल को लोग बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। कुछ लोग इन्हें माँ काली टेम्पल बोलते हैं तो कुछ काली माता टेम्पल बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो मूर्ति है ये ब्लैक स्टोन पे बनाई गई थी और 1822 में बनाई गई थी। ये मंदिर भी लोकेटेड है ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ तावी। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत लंबी कतारें लगती हैं यहाँ पे। अगर आपने अभी तक यहाँ पे विजिट नहीं किया है तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ डू मेक अ विजिट, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। तो नेक्स्ट इज मिनी कश्मीर, दैट इज़ भद्रवाह। तो भद्रवाह एक शहर है डोडा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू डिवीज़न के। बहुत ज़्यादा सुंदर शहर है। इसे मिनी कश्मीर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुदरत ने कश्मीर को ब्लेसिंग्स दी हैं और कश्मीर बहुत सुंदर है। इसी वजह से यहाँ पर भी वही ब्लेसिंग्स कुदरत ने दी है और भद्रवाह भी बहुत सुंदर है। समर्स में यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं कि होटल की बुकिंग्स तक नहीं मिल पाती हैं। अगर आप यहाँ पे अभी तक नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइएगा, आप बार बार जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास एक वो जगह जहाँ पे यूजुअली रॉयल फैमिली शेल्टर लेती थी इमरजेंसीज के वक्त, छुपती थी वहाँ जाके अगर इमरजेंसी कोई आती थी,
तो रॉयल फैमिली वहां जाके छुपती थी। ये है वो जगह जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स के लिए सेफ मानी जाती थी इन द केस ऑफ एमरजेंसीज। इसका नाम है भीमगढ़ फोर्ट, इसको एक और नाम से जाना जाता है रियासी फोर्ट। तो बेसिकली ये 150 मीटर हाई है और इसके आसपास सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं। तो बेसिकली ये जगह क्या थी, ये जगह सेफ मानी जाती थी रॉयल फैमिली के लिए। एक और ऐसी जगह है हमारे पास जो डोगरा डायनेस्टी की फोर्सेस के लिए भी सेफर मानी जाती थी, उसका नाम है धानीदार फोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास धानीदार फोर्ट। धानीदार फोर्ट को बनाने के पीछे मेन इंटेंशन ही ये था कि डोगरा फोर्सेस को एक सेफर जगह पे रखा जा सके। ये प्लेस लोकेटेड है रजौरी में और ये 1855 में कंप्लीट हुई थी। तो बेसिकली जो यहाँ पे फोर्सेस रखी जाती थी, इसके अलावा यहाँ पे फार्मर्स भी अपना काम करते थे और ग्रेन्स वगैरह यहाँ पे कल्टीवेशन एंड ग्रो वगैरह करवाई जाती थी। तो धानीदार फोर्ट के बाद जो हम अगली चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। ये 1883 में बना था और ये शालामार रोड पर है जम्मू में। बहुत सुंदर टेम्पल है ये। यहाँ का मेन अट्रैक्शन पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक शिवलिंग है जो कि 8 फीट लंबी है और वो ब्लैक स्टोन पे बनाई गई है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट शिव टेम्पल है इन नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानसर, और बात करेंगे मानसर लेक के बारे में। मानसर लेक वन ऑफ द मोस्ट फेमस पिकनिक स्पॉट है जम्मू का, और जम्मू से ये 62 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड आई एम श्योर अगर आप जम्मू से हैं आपने ज़रूर विजिट किया होगा यहाँ पे। ये मानसर लेक की खूबसूरती उसके आसपास की ग्रीनरी की वजह से और बढ़ जाती है, और यहाँ पर एक बहुत पुराना एंशियंट मंदिर भी है। नेक्स्ट अब हम इस सीरीज में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम रॉयल फैमिली के रॉयल रेजिडेंस के बारे में। तो मुबारक मंडी पैलेस ही वो जगह है जहाँ पे डोगरा डायनेस्टी के राजा महाराजा रहते थे। ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ये मिक्सचर है राजस्थानी, यूरोपियन और मुगल स्टाइल का। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग है और 1824 में कंप्लीट हुई थी, लेकिन कंप्लीट होने के बाद भी इसमें कॉम्प्लेक्सेस ऐड होते रहे अगले 150 साल तक। आज अगर आप इसे देखेंगे जाके तो इस बिल्डिंग की कंडीशन पहले के मुकाबले काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हालांकि गवर्नमेंट इसमें रेनोवेशंस कर रही है, इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। होपफुली गवर्नमेंट इसे मेंटेन कर पाए ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स भी इस चीज़ को देख पाएँ। नेक्स्ट अब जो हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे वो है पत्नी टॉप के बारे में। पत्नी टॉप एक टूरिस्ट लोकेशन है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर के। बेसिकली जब आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो नेशनल हाईवे पे 112 किलोमीटर दूर जम्मू से पत्नी टॉप आता है। यहाँ से चिनाब रिवर भी बहती है। पत्नी टॉप तो बहुत फेमस जगह है, लेकिन इससे भी लेसर फेमस जगह है एक नथा टॉप, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे सीरीज में। तो नेक्स्ट है हमारे पास नथा टॉप। नथा टॉप के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गर्मियों में ली गई तस्वीर है। यूजुअली नथा टॉप ऐसा नहीं दिखता। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर यहाँ पे स्नोफॉल होती है, बिकॉज सिंस ये पत्नी टॉप से भी ऊपर है तो नेचुरली जब आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर नीचे गिरता जाएगा, इसलिए यूजुअली यहाँ पे स्नोफॉल दिखती है। आसपास यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और ये बेस्ट जगह है फॉर नेचर लवर्स। अगली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जम्मू का फेमस फिश एक्वेरियम। इस सीरीज में हम पहले बाहू फोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। बाहू फोर्ट के बिल्कुल ऊपर ही ये फिश एक्वेरियम है। बहुत सुंदर और बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम है, अंडरग्राउंड है ये। बहुत ज़्यादा फिशेज़ की इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा फिशेज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक ये विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ डू मेक अ विज़िट। नेक्स्ट इस सीरीज में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल, बेसिकली वर्ड रघुनाथ का मतलब है लॉर्ड रामा। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी डोगरा डायनेस्टी के पहले रूलर ने, दैट इज महाराजा गुलाब सिंह ने इन 1835, लेकिन इसे कंप्लीट किया था उनके बेटे ने, दैट इज महाराजा रणबीर सिंह ने इन 1860। ये सिचुएटेड है ऑन द नॉर्थ ऑफ रिवर तवी, और जो आसपास बाजार है उसका नाम भी रघुनाथ बाजार है। बहुत फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट अब जो इस सीरीज में हम पढ़ेंगे दैट इज सनासर। सनासर बेसिकली जम्मू प्रोविंस में लोकेटेड है। बेसिकली जब आप पत्नी टॉप जाएंगे तो 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ सनासर आता है। ये कॉम्बिनेशन है दो विलेजेस का, एक का नाम है सना, दूसरे का नाम है सर। बेसिकली यहाँ पे एक माउंटेन रेंज भी पड़ती है जिसका नाम है शांता रिज। शांता रिज में जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वहाँ 400 साल पुराना एक मंदिर है जो कि डेडिकेटेड है टू नाग शंख पाल। एक्चुअली ये जो माउंटेन है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर ये टेम्पल लोकेटेड है।
बहुत सुंदर जगह है, पत्नी टॉप की तरह ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पिकनिक स्पॉट है। नेक्स्ट अब जो इस सीरीज में पढ़ेंगे वो है महामाया टेम्पल। महामाया मंदिर को हम एक और नाम से बुलाते हैं, मोमाया मंदिर। बेसिकली इसके पीछे कहानी है, यहाँ पे एक लोकल फीमेल फ्रीडम फाइटर थी जिनका नाम था महामाया। यहाँ पे जब फॉरेन इन्वेजन हुई तो उनसे लड़ते लड़ते उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था यहाँ के लोगों के लिए, तो उन्हीं के याद में ये टेम्पल बनाया गया है। बहुत सुंदर टेम्पल है। नेक्स्ट जो हम टेम्पल इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं वो द मोस्ट फेमस टेम्पल है, द अल्टीमेट टेम्पल है, वैष्णो देवी टेम्पल। वैष्णो देवी टेम्पल या वैष्णो देवी केव को लोग बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, कोई इन्हें माता रानी बोलता है तो कोई त्रिकुटा बोलता है तो कोई वैष्णवी बोलता है। बेसिकली ये स्वरूप है माता आदिशक्ति का, जिन्हें हम महालक्ष्मी भी बोलते हैं और मैत्रिका भी बोलते हैं। 1986 में श्राइन बोर्ड बना था और जब से श्राइन बोर्ड बना है यहाँ के टूरिज्म में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हुई है। यहाँ तक कि पिछले साल दैट इज 2018 में मोर देन 85 लोग, लगभग 86 लाख लोग यहाँ पर आए थे, और इस वजह से ये पूरे भारत का सबसे ज़्यादा विजिटेड टेम्पल बन जाता है लास्ट ईयर में। ठीक है, माता वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से शुरू होती है और माँ के भवन पे ख़त्म होती है। तो इस वीडियो में टोटल हमने 17 डेस्टिनेशंस पढ़ी थी सारी जम्मू की। अगली वीडियो में हम कश्मीर की पढ़ेंगे। अगर मैंने कोई भी डेस्टिनेशन मिस कर दी है जो आपको लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये एंड है हमारे लेक्चर 10 का। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है जो हम समझा रहे हैं आपको, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।